दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन कैसे हुआ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर वह एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बतलाया कि अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है, वहाँ कोढ़ी के भेष में नित्य हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबके अंत में जाते हैं, उन्हें ही दृढ़तापूर्वक पकड़ो। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी के चरण पकड़ कर जोर जोर से रोने लगे। अंत में हनुमान जी ने आज्ञा दी कि जाओ, चित्रकूट में दर्शन होंगे। हनुमान जी के आदेशानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नदी में स्नान के बाद कामदगिरी की परिक्रमा की। इसी समय उन्हें दो अत्यंत सुंदर राजकुमार दिखे, जो सुंदर घोड़े पर सवार थे। इन राजकुमारों में जहां एक गौर वर्ण के थे तो वहीं दूसरे श्याम वर्ण के थे। तुलसीदास जी ने जब राजकुमारों को देखा तो उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि आखिर इतने सुंदर राजकुमार चित्रकूट में क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में वे राजकुमार उनकी आंखों से गायब हो गए। इस घटना के ठीक बाद हनुमान जी ने तुलसीदास जी के पास आकर पूछा कि क्या आपको प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी के दर्शन हुए? तुलसीदास जी ने जब नहीं कहा तो हनुमान जी ने उन्हें बताते हुए कहा कि अभी जो अश्व पर सवार दो राजकुमार गए हैं, वही प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी थे। यह सुनते ही प्रभु के ना पहचान पाने से तुलसीदास जी अत्यंत दुखी हो गए और हनुमान जी से पुनः प्रभु के दर्शन कराने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जब अगले दिन तुलसीदास जी नदी किनारे चित्रकूट के घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, तभी चंदन लगवाने एक बालक उनके पास आया और बोला, बाबा, आपने बहुत अच्छा चंदन घिसा है, थोड़ा हमें भी लगा दीजिए। इस बार भी तुलसीदास जी अपने सामने खड़े भगवान श्री राम को नहीं पहचान सके। जैसे ही हनुमान जी को यह महसूस हुआ कि कहीं इस बार भी तुलसीदास जी भगवान श्री राम को न पहचानने की भूल न कर दे, ऐसे में वे एक तोते के रूप में आकर करुण रस में गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तोते के ये स्वर सुनते ही तुलसीदास जी तुरंत भगवान श्री राम को पहचान कर चंदन को छोड़ प्रभु के चरणों में गिर गए और जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि प्रभु श्री राम साक्षात खड़े थे। अपने सामने प्रभु श्री राम को देख तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी समय भगवान श्री राम ने चंदन को अपने हाथों से उठाकर तुलसीदास जी के माथे पर लगा दिया और हनुमान जी की कही बात को सच कर दिया।